अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश में जहां उपचुनाव की तैयारियां तेज हैं, वहीं सभी दल अपनी अपनी सियासी जमीन को पुख्ता कर रहे हैं। सियासत को मजबूती देने की कड़ी में सपा ने धर्मेंद्र यादव को अहम जिम्मेदारी दी है और धर्मेंद्र यादव भी उस जिम्मेदारी को पूरी लगन के साथ निभा रहे हैं। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से मिले निर्देशों के मुताबिक धर्मेंद्र यादव लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इसी क्रम में लगातार दौरे कर रहे हैं। गाजीपुर और बनारस का दौरा भी इसी कड़ी में धर्मेंद्र यादव ने किया। गाजीपुर में जहां धर्मेंद्र यादव ने जनसभा में बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में मुलाकात कर तमाम सख्त हिदायतें भी दी। साथ ही जब बनारस पहुंचे तो मोदी और योगी के विकास की पोल खोल दी। देखिए, बनारस के बदलाव के बारे में बनारस से लोग हमसे बेहतर जानते हैं। ऊपर करिए, लेकिन हाँ, इतना जरूर है, कल हम आए जब मैं मिर्जापुर की तरफ से आ रहा था तो शायद बनारस में इतने गड्ढे मैंने कभी नहीं देखे थे जो कल मुझे देखने को मौका मिला। सवाल पूछो कि आखिर रोजगार क्यों देश की आजादी के बाद सबसे कम क्यों हो गए, महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, आज रिसेशन इतना क्यों आ गया, जीडीपी इतनी नीचे क्यों आ रही है, आज सवाल ये है। ये केवल कहानी पढ़ने से और कहानियों में ना मीडिया के साथ ही आप लोग उलझो और ना जनता को उलझाओ। कानून व्यवस्था की जो स्थिति चल रही है यूपी में, उस पर क्या कहें? धर्मेंद्र यादव ने बनारस की सड़कों को लेकर तो बीजेपी पर निशाना साधा ही, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रदेश की मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लिया। बद से बदतर कानून व्यवस्था है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के साथ क्या हुआ वो आपके सामने है, साजापुर वाली बेटी के साथ क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है, आपके बगल में मीडिया के मिर्जापुर के पत्रकार मित्रों के साथ क्या हो रहा है, अगर उन्होंने नमक और रोटी की स्टोरी सुनाई वो भी आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ जितनी भी अराजकता हो सकती थी प्रदेश के अंदर वो वर्तमान सरकार में है, और इसलिए मैं पत्रकार मित्रों से भी कहूंगा कि जो जनता की जरूरत के सही मुद्दे, उन मुद्दों की तरफ आप लोगों को भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए बजाय इन कहानियों उलझने के। इस मौके पर धर्मेंद्र यादव से सपा की आगामी रणनीति के बारे में बात की गई तो उन्होंने तमाम अहम संकेत दिए। साथ ही धर्मेंद्र यादव से जब शिवपाल सिंह यादव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। शिवपाल जी साथ रहेंगे? अब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, इसके बारे में तो फैसला वही ले पाएंगे। शिवपाल जी साथ रहेंगे? अब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, इसके बारे में तो फैसला वही ले पाएंगे। धर्मेंद्र यादव सपा के अनुभवी नेताओं में शामिल किए जाते हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ने उनको अब अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उपचुनाव के लिहाज से मिली जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए धर्मेंद्र यादव लगातार सक्रिय हैं और सपा को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।